श्रीमती आरती गोविंद जी, मुख्य अतिथि महोदय श्री संदीप गोयल साहब, विशिष्ट अतिथि द्वय, सभी अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है। मैं भी लंबे समय तक हिंदी की संसदीय समिति की डांट खाता रहा, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बहुत है और प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय को उन्होंने अलग कार्यालय घोषित कर दिया, तो आए दिन निरीक्षण होता था और मिनिस्ट्री से कोई क्यों नहीं आया उसकी डांट भी मुझे ही खानी है, और अगर हेडक्वार्टर से नहीं आया तो मुझे भी, और प्राचार्य ने ठीक से काम नहीं किया तो भी, तो ये सब हमारे चलता रहा। और आज हास्य की बात है, इससे पहले हिंदी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि माँ के मासी की हिंदी है, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हम इसे उसी तरह से लें, और अंग्रेजी से इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने संस्कार अंग्रेजी के साथ नहीं जुड़ सकते। हमारे संस्कारों में कंगन है, बिंदी है, महावर है, अंग्रेजी में वो कहीं भी नहीं है। तो माँ के माथे की बिंदी है, हिंदी को अपनाओ, गोरी अर्ध नग्न नारी को कंगन मत कहना। कहते हैं हम इतने निर्धन भी नहीं, हम इतने निर्धन भी नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी नहीं, तो वाणी हमारी है, हमारी अपनी है। तो मैं हिंदी को प्रणाम करता हुआ फारसी की बात करता हूँ। मेरी विधा व्यंग्य रही है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि हास्य से प्रारंभ करिए और उन्होंने अपनी पत्नी का संदर्भ सुनाया तो मैं क्यों पीछे मैं भी अपने घर की बात यहाँ खोल रहा हूँ, और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को साथ ही नहीं लाया क्योंकि उनके सामने ये सब बातें नहीं देखी जा सकती। मैंने अंकों का प्रयोग किया है, देखिए आप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि आप मुझे किसी विषय को बोलने को कह दीजिए, लेकिन जो बात मुझे कहनी है वो मैं कहते जाऊँ, तो इसी तरह से मैं हास्य अवश्य पढ़ूंगा, उसके साथ व्यंग्य भी होगा, लेकिन जो मुझे कहनी है बात वो मैं कह दूंगा। मैंने अंकों का प्रयोग किया कि मेरी एकमात्र पत्नी ने हंसने की क्या बात है, सब एकमात्र ही होती है कि मेरी एकमात्र पत्नी ने मेरे दूसरे बेटे की शिकायत पर लगातार तीसरे दिन भी जब मुझे चौथी बार मारा तो आसमान में चढ़ गया मेरे क्रोध का पारा, मैं हाथ छुड़ाकर किचन से बाहर आया। ऐसे आयोजन अक्सर किचन में ही होते, मैं हाथ छुड़ाकर रसोई घर से बाहर आया और उनको सुनाते हुए जोर से चिल्लाया कि अजी सुनती हो, मैं और अधिक तुम्हारे इस कैद खाने में अपना दम नहीं घोटूंगा। इसे मात्र धमकी मत समझना, सच कह रहा हूँ, आज आत्महत्या करके लौटूंगा। मात्र धमकी मत समझना, सच कह रहा हूँ, आज आत्महत्या करके ही लौटूंगा। ये सुनते ही पत्नी मुस्कुराई, उनकी मुस्कान हमारे हृदय में समाई, लेकिन तभी किचन में हुए अपने नागरिक अभिनंदन की याद आई। हमने हिकारत से मुंह दूसरी ओर घुमाया तो पत्नी ने बड़े प्यार से समझाया, ये मेरे बुद्धू पति देव, याद में उनकी ऐसी संबोधन है, ये मेरे बुद्धू पति देव, मुझे मालूम है कि तुम जो कह रहे हो उसे अवश्य करके दिखाओगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि अगर आत्महत्या ही कर लोगे तो लौट कर वापस कैसे आओगे। मैंने कहा ये बड़े बड़े सिंहों वाली गाय, संबोधन है हास्य पैदा करने के लिए, ये बड़े बड़े सिंहों वाली गाय तू तो एकदम नालायक है, अक्ल के मामले में जैसे अनपढ़ और बाहुबली विधायक है। अरे नादान, इतना तो पहचान, इंसान की मौत सिर्फ तब नहीं होती जब उसकी सांस रुक जाती है, अरे इंसान की असली मौत तो तब होती है जब उसकी इंसानियत मर जाती है। तब नहीं होती जब उसकी सांस रुक जाती है, अरे इंसान की असली मौत तो तब होती है जब उसकी इंसानियत मर जाती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का लेखा है,
मैंने तो कितने ही मरे हुए लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में देखा है, उनमें किसी का ईमान मर गया है, किसी का जमीर मर गया है, किसी का ईमान मर गया है। ये सिर्फ बाहर से जिंदा दिखाई देते, इनके भीतर का इंसान मर गया।